नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बाय क्लासेस में। और आज हम जो बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें पेपर थर्ड के मोलस्कन फिशरीज नामक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मोलस्कन जो फाइलम है, मोलस्का की फाइलम में कई एनिमल्स जिनका यूज़ फिशरीज के लिए होता है, वे गैस्ट्रोपोडा होते हैं, सेफेलोपोड्स होते हैं, लैमिनी ब्रैंकियास ब्रैंकिएटा। इस इन इनके मतलब मोलस्कंस के इनके एनिमल्स होते हैं जो फिशिंग के लिए हेल्प करते हैं। आदि क्लासेस के मेंबर्स होते हैं जो फिशिंग में हेल्प करते हैं, शैलो वाटर, ब्रैकिश वाटर और एस्टुरीज में पाए जाते हैं। तो जो एस्टुरीज होती हैं, एस्टुरीज में, ब्रैकिश वाटर में और शैलो वाटर में ये पाए जाते हैं। मोलस्क, ऑयस्टर्स, क्लैम्स, स्नेल्स और कैटल फिश आदि की कई स्पीसीज फूड के रूप में मैन के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। कीमती पर्ल ऑयस्टर्स से प्राप्त किए जाते हैं। इरिडेसेंट्स सेल्स का उपयोग बॉटम लैम्प सेट्स व कई ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। मसल्स की दो स्पीसीज इंडिया में कॉमनली पाई जाती हैं, इन्हें मेटिलस ब्रिटिस तथा पर्ना इंडिका कहते हैं। आजकल मेटिलस ब्रिटिस को पर्ना ब्रिटिस कहते हैं, ग्रीन मसल्स कहते हैं तथा पर्ना इंडिका को ब्राउन मसल्स कहते हैं। ये स्पीसीज ग्रेगेरियस होती है। अन्य हार्ड सबस्टेटमसिव फिशेस थ्रेड्स के द्वारा अटैच होती हैं। ग्रीन मसल्स इंडिया के वेस्ट सब ईस्ट कोस्ट और इंडिया अंडमान आइलैंड में पाए जाते हैं। इनकी लेंथ 145 मिलीमीटर तक होती है। ब्राउन मसल्स की लेंथ 120 मिलीमीटर तक होती है। इन स्पीसीज की फिशिंग के लिए फिशरमैन शैलो वाटर और डीपर वाटर में गोता लगाकर पहुंचते हैं और वहीं पर चाकू के से चिपके हुए मसल्स को डिटैच करके अपनी कलाई में बंधे बैग्स में कलेक्ट कर लेते हैं। जिनसे जितने मसल्स पकड़े जाते हैं उनमें से अधिकांश को फूड के रूप में यूज़ किया जाता है और गोवा जैसे कुछ स्थानों पर बेचने के लिए मार्केट में भेज दिए जाते हैं। इनका यूज़ गरीब व्यक्तियों द्वारा भोजन के लिए किया जाता है। इनका उत्पादन हज़ारों टन में किया जाता है कई देशों में, जैसे कि फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली, इंडिया आदि में इसका कल्चर किया जाता है। ये डायग्राम जो है माइटिलस का है। माइटिलस में ये अम्बो होता है इसका। इसमें ये जो बन रहे हैं ये हैं बाइसस थ्रेड्स होते हैं, ये फूट है इसका और एक्सेलेंट साइफन है। अब जानते हैं ऑयस्टर्स के बारे में। कई देशों में ऑयस्टर्स का उपयोग फूड के रूप में किया जाता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये हाईली न्यूट्रिटिव पोषक माने जाते हैं। इनमें विटामिन ए ई की मात्रा काफ़ी अधिक होती हैं। इनमें प्रोटीन्स भी बहुत अधिक होते हैं। इंडिया में इनकी फिशिंग तो नहीं होती, लेकिन बड़े शहरों में हाई क्लास रेस्टोरेंट में इनकी सप्लाई होती है, क्योंकि विदेशी लोगों की इनके लिए काफ़ी डिमांड होती है। कुछ मुंबई व गोवा में बेचा जाता है और समुद्रों के किन्नरों पर रहने वाले निर्धन लोग इनका उपयोग भोजन के लिए करते हैं। इंडिया में पाई जाने वाली कॉमन स्पीसीज में क्रेसोस्ट्रिया मेट्रासेंसिस आदि होती हैं। ऑयस्टर्स में ब्रीडिंग बहुत अधिक होती है और फीमेल्स में हजारों की संख्या में ओवा बनते हैं। ऑयस्टर्स के कल्चर कनाडा, फ्रांस, यूएसए, जापान आदि में लार्ज स्केल पर होता है। क्लाम्स इनकी फिशिंग्स की भी बहुत
भी समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा लार्ज स्केल्स में की जाती है। मैरिटिक्स बहुत अधिक संख्या में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के सी बीच पर पाए जाते हैं। वोमेन्स तथा चाइल्ड इन्हीं जनरल हाथ से ही पकड़ लेते हैं, और क्लैम्स के द्वारा के अलावा बाइवाल्व्स की कुछ कुछ अन्य स्पीशीज जैसे कि सोलेन, रेजर सेल्स और ब्लैक काम्स, विंडो पेन, ऑयस्टर्स, प्लेसेंटा आदि भी भोजन के रूप में यूज़ किए जाते हैं और माइनर फिशरी बनाते हैं। गैस्ट्रोपोड्स और सेफेलोपोड्स गैस्ट्रोपोड्स की कुछ स्पीशीज इंडिया में भोजन के रूप में यूज़ की जाती हैं। ट्रैकस, टर्बो, ब्यूसिना, ओलिवा आदि की स्पीशीज फूड के रूप में यूज़ की जाती है। जेनकस पायरम को नियमित रूप से इनके सेल्स के लिए पकड़ा जाता है। इनके फ्लैश को भी निकालकर स्लिक्स बनाकर धूप में सुखाया जाता है, फूड की तरह से यूज़ किया जाता है। स्क्विड तथा कटल को भी कॉमनली फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। ईडेबल स्पीसीज सीपिया कटला सीपिया रोस्टेटा लॉलीगो इंडिका है लॉलीगो ऑफिसिन ऑफिनिस ऑक्टोपस हार्डमानी ऑक्टोपस रूगोपरस आदि एडेबल स्पीसीज होती हैं। नॉटिलस का फ्लैश इंडिया में भोजन के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि कुछ अदर कंट्रीज में इनका यूज़ किया जाता है। इसका कलेक्शन इसके सुंदर शेल्स के कारण किया जाता है। शेल से ही फ्लैश फैंसी पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। यद्यपि इंडिया में सेफेलोपोड्स का प्रोडक्शन काफ़ी लो है, लेकिन यहाँ कोई ऑर्गेनाइज्ड फिशरी नहीं है। पर्ल फिशरी में देखिए क्या लिखा है कि बेलविल पर्ल ऑयस्टर्स पिंकटाटा फ्यूकेटा पिंकटाटा वल्गैरिस पिंकटाटा मार्गेरिटी फेरा आदि से प्राप्त होते हैं। इनमें से पिंकटाटा वल्गैरिस सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये ग्राम नगर से के पास गल्फ ऑफ कच्छ तथा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एरिया क्यूटिकोरेंस के पास है। इनका प्रोडक्शन कहाँ है, क्यूटिकोरेंस के पास सबसे अधिक होता है। पर्ल ऑयस्टर्स की फिशरी सरकार की देखरेख में होती है, और सर्वेक्षण से सबसे अच्छे फिशरी प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं। लोकल समाचार पत्रों में विधिवत घोषणा की जाती है कि इनकी मोतियों के व्यापारियों, गोताखोर नाव के मालिकों आदि को इंक्लूड किया जाता है। इसमें गोताखोर अपने बोट के साथ अर्ली मॉर्निंग में फिशरिंग के लिए निकल जाते हैं और दोपहर तक फिशरिंग करते हैं। ये काम लगभग 2 मंथ तक किया जाता है। ऑयस्टर्स की नीलामी भी होती है, इन्हें कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, बाद में खोलकर धोकर इन्हें मौजूद मोतियों को कलेक्ट कर लिया जाता है, और ऑयस्टर को अधिक से अधिक और संख्या में मोती पाने के लिए कल्चर किया जाता है। चंक शंख या फिशरी इंडिया में चंक या शंख जिसे शंख फिशरी जेंकस पायरम टर्बिनेला पायरम पर बेस्ड होती है। इनकी यूज मंदिरों में किया जाता है। ये गैस्ट्रोपोड इंडिया तथा श्रीलंका सी कोस्ट से प्राप्त होते हैं। यह तमिलनाडु यह तमिलनाडु केरला गल्फ ऑफ कुछ के पास बहुत ज़्यादा मिलते हैं। शंख फिशरी भी इस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। शंख का शैल सुंदर तथा पियर शेप्ड होता है। इसमें एक कॉनिकल स्पाइरल तथा वाइड अपर्चर पाया जाता है, चौड़ा अपर्चर पाया जाता है। इसके शेल्स बैंगल्स तथा अन्य ऑर्नामेंट बनाने के लिए किए जाते हैं। फिशरिंग के समय गोताखोर इन्हें हाथ से
ही उठा लेते हैं। इस अच्छी क्वालिटी के शंख तमिलनाडु के गल्फ और मन्नार में से मिलते हैं। इनका फिशरी सीजन अक्टूबर से मई तक होता है। विभिन्न स्थानों पर कलेक्ट किए जाते हैं, शेष कलकत्ता भेजे जाते हैं। शंख कलकत्ता भेजे जाते हैं जहाँ इनको उचित साइज में पीस में काटकर पॉलिश की जाती है। इनके सेल्स में दो प्रकार की कॉइलिंग होती है, एक डेक्सटल कॉइलिंग से दूसरी सेस्टल कॉइलिंग होती है, जिसमें सेस्टल ट्विस्टेड बनाने वाले शंख ऊंची कीमत में मिलते हैं, क्योंकि ये खरीदने वाले के भविष्य को उज्जवल बना देते हैं। इनके अलावा शंख का फ्लैश रिमूव करके उबाल कर धूप में सुखा लिया जाता है और फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। शंख के शेल पाउडर तथा पाउडर का यूज़ मेडिसिन में भी किया होता है। शंख के शेल को जलाकर हाई क्वालिटी का लाइम हमें प्राप्त हो जाता है। ये सोलेन का डायग्राम है, जिसमें मेंटल है, फूट है, सेल बाल्ब्स है, एक्सहेलेंट साइफन है, इनहेलेंट साइफन है। ये है यूनियो का डायग्राम है, जिसमें अंबो दिया हुआ है और लाइंस ऑफ ग्रोथ दी हुई है इसमें। और ये है पाइला, एपिल स्नेल है, जिसमें एपेक्स है और बॉडी रोल्स दिखाए गए हैं, माउथ दिखाया गया है, अम्बली क्लस दिखाया गया है। ठीक है, जो अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पर आएँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ, और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य दबा लें।